हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं और इसका पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना था, तो नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएस और प्रोविजन क्या क्या है बैंक ने उसको देखते हैं दोस्तों। तो ये नंबर्स को देखते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं, स्टॉक प्राइस देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है, 500 की तरफ जा रहा है। बट ये कि निफ्टी 50 भी लगभग 16,200 तक पहुँच गया है, तो मुनाफा वसूली होती है। जिनके पास नहीं है तो उनको देखना चाहिए SBI को, और जो ट्रेड कर रहे हैं तो चार्ट पैटर्न के अनुसार भी बात कर लेंगे। अब पहली तिमाही के रिजल्ट्स को देखते हैं, SBI के क्या परफॉर्मेंस रही है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएस और प्रोविजन क्या क्या है उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। SBI का पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं और इसमें देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं सीधे से। और Q1 FY 22 में 27,638 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है और Q1 FY 21 में 26,642 करोड़ और Q4 में था 27,067 करोड़। तो आसपास ही है, साल दर साल के हिसाब से 3.74 की बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखते हैं तो 2.11% का बढ़ के आया है नेट इंटरेस्ट इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं, 18,975 करोड़ का है Q1 FY 22 में और Q4 FY 21 में 19,700 करोड़ और Q1 FY 21 में 18,061 करोड़। आगे की तरफ चलते हैं और प्रोविजन की बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट है ये बैंकों के लिए करते हैं। देखिए 5,030 करोड़ का प्रोविजन है Q1 FY 22 में और Q4 में था 9,914 करोड़, Q1 FY 21 में 9,420 करोड़। यानी मिस देखिए 46%, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो साल दर साल के हिसाब से 46% कम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से भी कम हुआ है 49%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए अब की बार हुआ है 6,504 करोड़ का प्रॉफिट है और Q4 में था 6,451 करोड़ और Q1 FY 21 में 4,189 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल तो 4,100 करोड़ का प्रॉफिट था, अब की बार है 6,504 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस एनपीएच की बात करते हैं तो 1,34,259 करोड़ और पिछली बार था 1,29,661 करोड़। तो एक तरह से देखिए ग्रॉस एनपीएच बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं Q4 में 1,26,389 करोड़ का था। ये परसेंटेज के हिसाब से दिया है तो अब की बार है देखिए Q1 FY 22 में 5.32 का है, पिछली बार था 5.44 और Q4 में 4.98 का। तो देखिए नेट एनपीएच देखते हैं तो 1.86 पिछली बार था, 1.77 अब की बार है और FY 21 में 1.50 है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो 7.29 का है और पिछली बार था 4.69 का और Q4 में 7.23 का। तो अर्निंग पर शेयर देखो देखते हैं तो बढ़ के आया है और ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस में देखते हैं तो एक तरह से क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा है बट पिछले साल के अनुसार कम हुआ है। और रेवेन्यू जो है आसपास ही है, 2-3% की बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट में छलांग मारा है, कारण यह है कि प्रोविजन कम हुआ है। SBI का जो रिजल्ट है एक तरह से बढ़िया आया है और स्टॉक प्राइस भी लगभग 460-465 तक पहुंच गया है। निफ्टी 50 भी देखिए 16,200 के ऊपर कारोबार कर रहा है और जिस तरह की उम्मीद थी SBI से तो उसी तरह का रिजल्ट पेश किया है। और अब स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए 458-460 के आसपास कारोबार कर रहा है और इसी महीने ये 420-415 के आसपास था, वहाँ से बढ़कर लगभग ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 460 के आसपास। और इसका जो हाई आज बनाया इसने 467.45 रुपये बनाया है और अगर आज का जो ट्रेडिंग देखते हैं तो 448.65 रुपये में ओपन हुआ है और लो बनाया है 441.50 रुपये। और कोई भी यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए एक दिन या फिर इंट्राडे कर रहे हैं तो 2% का या 1% का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए और इंट्राडे वालों को स्क्वायर अप करना चाहिए। और जो डिलीवरी में कारोबार कर रहे हैं तो अब जो हडल होगा 467.45 रुपये का हडल होगा दोस्तों, इसको ब्रेक करेगा तब हमें फिर ये 480 से 490 तक जाता हुआ दिख सकता है। अब ट्रेंड में स्टॉक है और धीरे धीरे स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और अगर हम पिछले 5-6 महीने का अगर इसको ट्रेड को देखते हैं, देखिए 23 अप्रैल 2021 को ये 336.45 रुपये में था, तो 3-4 महीने पहले अगर किसी ने लिया है तो आज देखिए 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ है, लगभग 130 पॉइंट ऊपर की तरफ है। तो SBI को हर गिरावट में देखना चाहिए, अभी अप ट्रेंड में है स्टॉक,
आने वाले समय में 500 को भी क्रॉस करेगा, बट क्या है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे अगर गिरावट होती है मार्केट में, तो SBI का स्टॉक भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। उसके लिए करना क्या है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करना है, तो 448 रुपये का एक स्टॉप लॉस, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को अभी भी वेट करना चाहिए, और ये 500 तक की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा बहुत अगर गिरावट होती है तो नीचे की तरफ होगा, और जो लेना चाहते हैं डेफिनेटली देखना चाहिए। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, उनको स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए, और जिनको मुनाफा हो रहा है, जैसे इसी महीने अभी 420 में था, 415 में था, तो अगर कोई मुनाफा ले रहे हैं तो मुनाफा लेना चाहिए। तो ये इक्विटी की बात है दोस्तों। इसका जो पहली तिमाही का रिजल्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो जबरदस्त एक प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो 3 से 2% की बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ आई है, और प्रॉफिट तो जबरदस्त आया। तो बैंक का आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रावधान कम किया है, तो आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से कम होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस जो है उड़ता हुआ नज़र आ सकता है। बट इसमें देखिए, स्टेट बैंक को नज़र में रखना चाहिए, दिग्गज बैंक है, और अगर निफ्टी में तेज़ी रहेगी तो आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखेगा। तो अगर गिरावट होती है डेफिनेटली इसको नज़र रखें, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, जो ट्रेड कर रहे हैं तो अपने अनुसार स्टॉप लॉस के द्वारा, और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये पहली तिमाही का अपडेट था, और स्टॉक प्राइस की बात थी। कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।